हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आई टुडे इज़ सिक्सटीन ऑफ डिसम्बर 2020 और आज देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स में आपको कौन सी न्यूज़ पढ़नी चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम द हिंदू फर्स्ट पेज स्क्रैप कोटाज़ फॉर आईआईटी फैकल्टी सेज मिनिस्ट्री पैनल तो मिनिस्ट्री का एक पैनल है जिसने रिकमेंड किया है कि जैसे इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस में जो रिजर्वेशन पॉलिसियाँ वो अप्लाई नहीं होती सिमिलरली आई में जो फैकल्टी पोस्ट हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम पॉलिटी परस्पेक्टिव सो पॉलिटी में आर्टिकल्स फिफ्टीन एंड आर्टिकल सिक्सटीन इनमें रिजर्वेशन की प्रोविज़न है अंडर आर्टिकल फिफ्टीन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड इन आर्टिकल सिक्सटीन देयर इज़ प्रोविज़न फॉर रिजर्वेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट तो वहां पर

देन दिस इज़ अ रनिंग न्यूज़ द फार्म प्रोटेस्ट इसमें कुछ भी नया नहीं हुआ है सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ लॉ मिनिस्ट्री नॉट सॉट फॉर पोस्टल बैलेट्स फॉर एन आर आईज जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट की प्रोविज़न दी जाए इसके लिए लॉ मिनिस्ट्री की परमिशन मांगी गई है सो एन इम्पॉर्टेंट इशू एज़ फार एज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इज कंसर्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में कुछ भी नया होता है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सो दिस इज अनदर न्यूज दैट यू हैव टू रीड देन वी मूव ऑन टू द एडिटोरियल पेज द पेज नंबर सिक्स सबसे पहले ये एक अच्छा आर्टिकल है आज पंजाब हरियाणा नीड टू तो लुक बियॉन्ड एमएसपी क्रॉप्स तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्रॉप्स यानी कि पैडी वीट इनसे आगे बढ़ना चाहिए पंजाब और हरियाणा को दे शुड शिफ्ट टू हाई वैल्यू क्रॉप्स एंड दे शुड प्रमोट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल है यू कैन एक्चुअली कीप अ कटिंग ऑफ दिस आर्टिकल इसमें जो सजेशंस दिए गए हैं काफ़ी अच्छे सजेशंस दिए गए हैं तो इसी रनिंग जो न्यूज़ चल रही है उसमें दिस कैन बी अ रियली गुड वैल्यू एडिशन फॉर यू सेकेंड वैक्सीन ड्राइव तो ये आप पढ़ सकते हैं इसमें बस यही बताया गया है कि जो भी वैक्सीन है उसके लिए चाहे इमरजेंसी नॉट दी जा रही है दैट द वैक्सीन टू बी एडमिनिस्टर्ड इज़ लाइकली टू गेट एन इमरजेंसी नॉट क्योंकि जल्दी उसकी ज़रूरत है बट स्टिल एश्योरेंस ऑफ सेफ्टी एफिकेसी एंड लॉन्ग टर्म फॉलोअप आर एसेंशियल कि एश्योरेंस देनी बहुत ज़रूरी है कि वो जो वैक्सीन है वो सेफ होगी वो इफेक्टिव होगी और लॉन्ग टर्म फॉलोअप उसका होगा तो कहने का मतलब यह है जितने भी हम ये आर्टिकल्स पिछले कुछ दिन से पढ़ रहे हैं जो वैक्सीन की अप्रूवल से रिलेटेड है उन सब में यह बताया जा रहा है दैट जल्दी में हमें कुछ ऐसा नहीं कर लेना चाहिए जिसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो बिकॉज दिस वैक्सीन विल बी एडमिनिस्टर्ड टू बिलियंस ऑफ पीपल इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तो अगर उसका गलती से भी कोई साइड इफेक्ट छोटा सा साइड इफेक्ट भी देखने को मिला इट विल इम्पैक्ट मेजोरिटी ऑफ़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड दैट विल बी अ डिजास्टर बियॉन्ड रिपेयर तो सारे आर्टिकल्स यही कह रहे हैं दैट यू डू गिव एमरजेंसी नॉड टू सच अ वैक्सीन बट ये आने वाले एक डेढ़ साल में पूरी दुनिया के सभी लोगों को एडमिनिस्टर कर दी जाएगी सो यू बेटर बी वेरी प्रिपेयर वेरी इट शुड बी वेरी सेफ इट शुड बी वेरी इफेक्टिव एंड इट शुड हैव अ फॉलो अप तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रूडेंट रहने की ज़रूरत है यही ये सारे आर्टिकल्स पॉइंट आउट कर रहे हैं ये वाला आर्टिकल भी आपको पढ़ना है फ्रॉम अ डिजिटल इंडिया टू अ डिजिटल भारत बेसिकली जो पी एम वाणी स्कीम है प्रधानमंत्री वाणी डब्ल्यू ए एन आई जो स्कीम है तो उसमें जो पब्लिक डेटा ऑफिस खोले जाएंगे यानी कि बहुत छोटे छोटे हॉटस्पॉट्स जो है वो लाखों करोड़ों हॉटस्पॉट्स इंडिया में जनरेट किए जाएंगे ताकि लोग नेट यूज़ कर सके इट्स जस्ट लाइक जैसे एक वक्त पे पी और एस टी रेवोल्यूशन हुआ था उसी तरह से अब ये पी डी रेवोल्यूशन हो रहा है काइंड ऑफ शॉर्ट्स तो जो हेडलाइन है फ्रॉम अ डिजिटल इंडिया टू अ डिजिटल भारत ये सजेस्ट करती है डिजिटल इंडिया का मतलब है दैट ओनली द इंग्लिश स्पीकिंग अर्बन मिडिल क्लास पीपल हैड एक्सेस टू इंटरनेट बट नाउ डिजिटल भारत का मतलब है कि एक आम गरीब आदमी जो रूरल एरियाज में रहता है अब वो भी डिजिटली एबल हो जाएगा सो ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड इज द मेन इंटेंट बिहाइंड दिस हेडिंग हियर द पीएम वाणी प्रोजेक्ट सीम्स टू फिट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एन इवॉल्विंग डी सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट टू ब्रिज द ई डिवाइड तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जो डिजिटल है उसको ब्रिज करने में पीएम वाणी एक अच्छी स्कीम साबित होगी काफी अच्छा ये आर्टिकल है स्कीम को काफी डिटेल में समझाया गया तो इसे आप पढ़ सकते हैं देन माइल्ड मॉडरेशन तो आज चारों आर्टिकल पढ़ने वाले हैं माइल्ड मॉडरेशन दिस आर्टिकल इज ऑन इंडियन इकोनॉमी तो इन्फ्लेशन डेटा रिसेंटली आया है और उस इंफ्लेशन डेटा की डिटेल्ड स्क्रूटनी इसमें की गई है दैट इंफ्लेशन का डेटा जो है अगर हमने उसे ध्यान से चेक में नहीं रखा देन इट कैन हैम्पर द इकोनॉमिक रिकवरी ऑलरेडी इकोनॉमी की हालत खराब है अगर ऐसे में हम डेटा को ध्यान नहीं देंगे देन इट कैन हैम्पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस दिस इज वट इट इज सेन दिस वॉज ऑल ऑन दिस पेज पेज नंबर टेन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर to बी द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे celebration. सो नाउ इट इज़ confirmed. ऐसे में इंडिया यूके के रिलेशन थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम दी आई आर पर्सपेक्टिव जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि ट्रेड टाइज जो है वो बढ़ने वाली हैं सो इट हैज़ सर्टन एलिमेंट्स ऑफ इंडिया यू के रिलेशन जैसे कि जी सेवन फोरम जो है वो कब होस्ट होने वाली है इंडिया का उसमें क्या रोल रहेगा ऑल दिस थिंग्स तो ये आपको यहाँ से करना है

तो इन तीनों कंट्रीज़ के साथ कोई भी दूसरी कंट्री अगर कोई डील करती है इनसे कुछ भी खरीदती है या ट्रेड करती है या कोई डिफेंस डील करती है तो अमेरिका उस कंट्री के ऊपर सैक्शन लगा देगा अंडर काटसा सो इट्स लाइक अ ब्रिग बिग ब्रदरली एटीट्यूड इट्स लाइक यू एस इज़ ट्राइंग टू डोमिनेट द एंटायर वर्ल्ड पॉलिटिक्स तो काटसा को डिफाई करते हुए काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो रशिया नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ डीलिंग कर रहे हैं उनसे कुछ खरीद रहे हैं तो अभी रिसेंटली टर्की ने भी रशिया से एस फो हंड्रेड सिस्टम परचेज किया है अब यूएसए ने टर्की के ऊपर सेंक्शन लगा दी हैं एंड हाउ इज इंडिया कंसर्न बिकॉज इंडिया हैज ऑल्सो बॉट एस फोर हंड्रेड सिस्टम फ्रॉम रशिया अभी डिलीवर नहीं हुआ है बट इंडिया हैज़ ऑर्डर्ड एस फोर हंड्रेड सिस्टम फ्रॉम रशिया और उस अकॉर्डिंग तो इंडिया भी काटसा सेंक्शन के अंडर आ जाना चाहिए सो इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर दिज सेंशन आर अपलाइड ऑन इंडिया और नॉट इंडिया का इसमें जो कहना है वो ये है नंबर वन We signed the deal before Khatza came into picture. And number two, that we have our own strategic independent decision making and we will not be cowed down by any superpower, no matter how big. So this is ka foreign policy jo response. Hai, wo hai. But we have to use the US upar bhi sanctions just because we have signed a deal with Russia. So this is it. नाउ मूव ऑन टू द इंडियन एक्सप्रेस सो इंडियन एक्सप्रेस में हम डायरेक्टली चलते हैं ऑन द एडिटोरियल पेज एडिटोरियल पेज पे नंबर वन ये वाला आर्टिकल आपको पढ़ना है डाइवेस्ट एंड स्पेंड तो डिस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आर्टिकल है प्योर डिस इन्वेस्टमेंट पे आर्टिकल है क्या उसके फायदे हैं क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को इंडियन इकोनॉमी परस्पेक्टिव से यह आपने पढ़ लेना है जरूर and second important article is the hour of darkness so this this article also you have to read okay these are the two articles you have to read from this page and lastly on the explained page there is there are two articles you have to read number 1 पंजाब बियॉन्ड पैडी एंड वीट तो अगेन ये वही जो एम वाला आर्टिकल है समथिंग रिलेटेड टू दैट दिस आर्टिकल यू हैव टू रीड एंड सेकेंड दिस वन गोट डोंकी पिग वट इज हिमालयन सेरो साइटेड इन अनएक्सपेक्टेड एरिया सो द वे यू पी एस ईज गिविंग इम्पोर्टेंस टू एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन दिस इज एन आर्टिकल दट डेफिनेटलीव टू रीड टू सो दैट इज इट थैंक यू एंड हैव एन आइस डे